समय बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पुलवामा में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें पुलवामा के संबूरा इलाके में आधी रात को सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की आतंकियों ने हत्या कर दी है। तो आपको इस समय की बड़ी खबर हम बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जो पुलवामा से आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? सोनल, देखिए पुलिस की तरफ से जो जानकारियां साझा की गई है उसके अनुसार जो सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर थे, ये सीटीसी पुलवामा यानी कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर पुलवामा में तैनात थे और आईआरपी की 23वीं बटालियन में थे और घर में ही मौजूद थे। घर से इनका अपहरण करके घर से थोड़ी ही दूर पे जाके पैडी फील्ड में यानी चावल की खेतों के बीच में इनको एक गोली मारी गई थी। फारूक अहमद के सीने पे एक गोली लगी थी जो सीधे दिल को लगी थी और उनकी उनका जो शव है वो इन्हीं खेतों से बरामद किया गया है। और पुलिस का कहना है कि इस घटना के पीछे 2 से 3 मिलिटेंट्स का हाथ है जिन्होंने फारूक अहमद की हत्या कर दी है। हालांकि जो हत्या हुई है वो रात के दौरान। जी आसे, लेकिन क्या उन आतंकियों की पहचान हो पाई है और क्या कारण बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर को आतंकियों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी? देखिए जोनल, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और बड़ी संख्या में उसके जवाब में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं, लग रहा है कि ये उसी की एक कड़ी है। जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी जिन पे पहले अल्पसंख्यकों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया था और उसी की कड़ी के तौर पर इस घटना को भी देखा जा रहा है कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि घर पे मौजूद था, घर से उनका अपहरण करके घर से थोड़ी दूर पे ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस के आधिकारिक बयान का अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन सूत्रों के अनुसार 2 से 3 मिलिटेंट थे जिन्होंने फारूक अहमद को उनके घर के पास से ही अपहरण करके पास के ही खेत में ले जाकर गोली मारी गई और उनके शव पर केवल एक गोली का निशान है जो कि सीने में है और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जी लेकिन आसिफ, अभी क्या वहां की जो पुलिस है, वहां की जो लोकल पुलिस है, क्या वो उन मिलिटेंट्स को ढूंढने में लगी हुई है? जैसे ही शव बरामद किया गया रात के दौरान ही कई जगह पे छापेमारी शुरू कर दी गई है, जो है घेराबंदी कर दी गई है और अब ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है आखिर इस घटना के पीछे किस ग्रुप का हाथ है, कौन मिलिटेंट्स हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि ये जांच का विषय है और इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि घटना रात के दौरान हुई है और सुबह होते होते ही इसकी खबर लगी है, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे एक बार फिर टारगेटेड किलिंग्स को लेकर जो है चिंताएं बढ़ने लगी है क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से मई के महीने में और जून की शुरुआत में टारगेटेड किलिंग्स काफी ज्यादा संख्या में बढ़ने लगी थी, उसके बाद सुरक्षा बलों के अभियान के चलते उसमें एक ठहराव सा आ गया था, लेकिन 15 दिनों के अंतराल के बाद एक और घटना ने फिर से चिंताएं बढ़ाई हैं क्योंकि जो मिलिटेंट्स की रणनीति बदली हुई है टारगेटेड किलिंग्स करके सुरक्षा बलों को दबाव में लाने की, ये उसी की एक कड़ी की तौर पर देखा जा रहा है। जी सोनल। जी आसिफ, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है। पुलवामा में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलवामा के संबूरा इलाके में आधी रात को सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की आतंकियों ने हत्या कर दी है। बताया जा रहा है इसमें 2 से 3 मिलिटेंट्स की शामिल होने की संभावना है और अगवा कर आतंकियों ने सब इंस्पेक्टर को गोली मारी। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो पुलवामा से आ रही है, जहां पुलिस सब इंस्पेक्टर को उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी। पंपौर इलाके में सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या, तो टारगेट किलिंग का यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। 2 से 3 मिलिटेंट्स की होने की आशंका इसमें जताई जा रही है और अगवा कर आतंकियों ने सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। उस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए, आपसे पल पल की अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बाबा, बाबा।
कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।